वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे जिनके अंदर कोई भी कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ पर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो ऐसा नहीं होता है। कायरल कार्बन एटम का प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए मॉलिक्यूल को। ज़रूरी क्या है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाएँ और इस वजह से फिर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करें। तो हम जो पहला एग्जांपल यहाँ पे लेके आ रहे हैं वो है एलीन डेरिवेटिव्स का। एलीन डेरिवेटिव्स जो हैं वो ये जनरल फॉर्मूला इनका यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिसमें ए बी जो ग्रुप्स हैं वो सेम टाइप के ग्रुप्स भी हो सकते हैं, या ए बी डी ई जिसमें ये जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब एक अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो ये प्रेजेंट कैसे है यहाँ पर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर जो हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स, ये आप देख रहे हो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड तो आपको पता है कि अबव द क्लाउड और बिलो द प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बॉन्डिंग करता है। तो इसके अंदर ये दोनों पाई बॉन्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये sp हाइब्रिडाइज है, कार्बन टू पाई बॉन्ड्स इसके पास प्रेजेंट है और दोनों पाई बॉन्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होगा कि डी और ई जो हैं वो तो अगर प्लेन ऑफ पेपर में लाइन कर रहे हैं तो ए और बी जो हैं वो प्लेन से परपेंडिकुलर होंगे, पेपर ऑफ द प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पर ये ग्रुप्स होंगे। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और इस वजह से ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया। और ऐसे मॉलिक्यूल्स की जब मिरर इमेजेस बनेंगी तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनेंगी और इनेंशियोमरिज्म वो शो करेगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आप देख रहे हो हमने पहला एग्जाम्पल लिखा पेंटा 2,3 डाईन। अगर हम पेंटा 2,3 डाईन के इनेंशियोमर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स तो वो बनेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो हैं वो मॉलिक्यूल क्या शो करती हैं, इनेंशियोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करती हैं, यानी ऑप्टिकल एक्टिव जो है मॉलिक्यूल बन गया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले एलीन डेरिवेटिव्स के अंदर, तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में अगर हम एक डबल बॉन्ड कार्बन को किसी भी साइक्लोएल्केन से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर दो डबल बॉन्ड को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड को हमने एक साइक्लोएल्केन रिंग से रिप्लेस कर दिया है, और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है 4-methyl cyclohexyl diene का। तो इस एग्जाम्पल के अंदर साइक्लोहेक्साइल डाइन 1-acetic एसिड, तो इस एग्जांपल के अंदर भी ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स बनेंगे। इसकी मिरर इमेजेस जब आप देखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनेंगी और ये इनेंशियोमेरिज्म शो करेंगे, तो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर भी कोई कायरल कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो स्पायरेन एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हो कि हमने दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि यहाँ पे हमने दो साइक्लो एल्केन रिंग्स से रिप्लेस कर दिया है डबल बॉन्ड कार्बन को। तो एग्जाम्पल है इसका स्पायरेन, इसके अंदर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करेगा और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ही बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स वो है बाईफिनाइल डेरिवेटिव्स की। तो बाईफिनाइल डेरिवेटिव्स भी जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 6,6-dinitrofatty एसिड। इसके अंदर आप देख रहे हो कि होता क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पर जब ये बेंजीन रिंग पर यहाँ पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है COH कार्बोक्सिलिक एसिड और एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है जो कि स्टीयरिक हिंड्रेंस दे रहा है इस पूरे ग्रुप को। ऑर्थो पोजीशन पर बल्की ग्रुप आने से स्टीयरिक हिंड्रेंस पैदा हो रही है, तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास में दोनों रिंग्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने इसको अलग बॉन्ड से शो किया है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगी और स्टीयरिक हिंड्रेंस को कम करेंगी। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा स्टूडेंट्स तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की। अब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना रही हैं एक दूसरे की और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल बन चुके हैं।
तो इस तरीके से हम और एग्जांपल्स भी बाईफिनाइल डेरिवेटिव्स में ले सकते हैं, जैसे कि 2,2- डाईफिनाइल सल्फोनिक एसिड है, 2,2- टर्शरी ब्यूटाइल बाईफिनाइल है, ये भी कायरल मॉलिक्यूल्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसमें पूछ लेते हैं आपको कि कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट ना होने के बावजूद कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो शो क्यों करता है, उसके एग्जांपल्स के साथ में यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।